वेलकम बैक टू ओशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मैं आप सभी का दोस्त पंकज एक बार फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आज सीखेंगे क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फिट में यूनिट कैसे चेंज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रैक्टिकली साइट्स पे रेगुलर बहुत यूज होती है। तो ध्यान से सीखिएगा कि मीटर क्यूब से क्यूबिक फिट में कैसे चेंज करते हैं। पहले इसके लिए हमें कुछ बेसिक यूनिट्स पता होने चाहिए और कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो मैं अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से फॉलो करेंगे। पहले मैं बेसिक यूनिट बता देता हूँ कौन कौन सी आपको आना चाहिए। आप सभी को जैसे पता हुई होंगी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में आपके इंचेज होते हैं 2.54 इंचेज और 1 फीट में होते हैं कितने 12 इंच। स्टेप्स जो फॉलो होंगे वो होंगे हमारे ये। सबसे पहले हम जाएंगे मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब से जाएंगे हम इंचेस में, इंचेस से जाएंगे क्यूबिक फिट में। इस फाइनल स्टेप्स में हमारा मीटर क्यूब डायरेक्टली क्यूबिक फिट में चेंज हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट करना है वो यहाँ देखिए। बेसिकली मैं एक यूनिट ले लेता हूँ कितना 2.55 मीटर क्यूब। इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, क्यूबिक फिट में। तो स्टेप पहला क्या आएगा, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब। तो एक सेंटीमीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब है मेरे 100 सेंटीमीटर। तो बेसिकली 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर का क्यूब मल्टीप्लाई। अब कहां से कहां जाना है, सेंटीमीटर से इंचेज में। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं 2.54 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई। अब कहां से कहां जाना है, इंचेज से क्यूबिक फीट में। तो 1 फीट में कितने होते हैं 12 इंचेज। ये बेसिकली स्ट्रक्चर पूरा हो गया 2.55 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए क्यूबिक फिट में। पहले हम मीटर क्यूब से आए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से इंचेस में, इंचेस से क्यूबिक फिट में। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, जैसे देखिए ये हो जाएगा 2.55 मीटर क्यूब इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1 इंचेस क्यूब अपॉन 2.54 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1 फीट क्यूब अपॉन 12 इंचेस क्यूब। देखिए बेसिकली मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, इंचेस क्यूब से इंचेस क्यूब गया। क्या बचा 2.54 हंड्रेड का क्यूब, 2.54 का क्यूब और 1 फीट का क्यूब। जब आप इसे टोटल कन्वर्ट करेंगे यानी 2.54 का क्यूब मल्टीप्लाई 12 का क्यूब, तो ये आपका आंसर आएगा 90.05 क्यूबिक फीट, जिसे आप ले सकते हैं अराउंड 90 क्यूबिक फीट। तो ये बेसिकली एक मेथड है कन्वर्ट करने का मीटर क्यूब से क्यूबिक फीट में। इजी स्टेप्स है, जरूरी भी आपको तो अगर प्रैक्टिकल साइड पे अगर आप यूज सॉरी प्रैक्टिकल साइड पे अगर आप वर्क करते हैं तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज को अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टाटा।